बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुशाहदीन अलकराम की फ़िलहाल क्या हाल आप लोग ठीक है खैरियत से। राफिज़ल अज़ीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश दोस्त। जिस पर तक कि पुरानी फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो अपडेट शुरू करते हैं, सबसे पहले कुछ महकमा मौसमियात के हवाले से आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई है। इस वक्त के मुताबिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म मौजूद है बहीरा अरब के अंदर, जो कि इंडिया की सैली पट्टी के साथ टकरा सकता है और इसका नाम इंडिया की तरफ से तिज रखा गया है। आप लोग देख सकते हैं, बताया जाता है कि इस वक्त के मुताबिक अरेबियन सी बहीरा अरब के अंदर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म मौजूद है। तो इस हवाले से आप लोग देख सकते हैं ओमान की CAA की तरफ से भी ये अलर्ट आया है। इस वक्त के मुताबिक ये ओमान से 1440 किलोमीटर दूर है और इसके जो बादलों का आता है वो तकरीबन 640 किलोमीटर दूर है। मजीद आप लोग देख सकते हैं ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, इसके मुताबिक तस्दीक की गई है कि अगले हफ्ते के अंदर ज़्यादा बारिश हो सकती है ओमान के दीगर हिस्सों के ऊपर। तो भाई इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएगी फ़ौरन से पहले आप लोगों को देंगे। अल्लाह ताला सही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर का रहमत का मौसम रहे सल्तनत ओमान के पूरे दुनिया ज़माने के अंदर। हाँ मैंने इंशाल्लाह बात करते हैं दीगर खबरों के वाले से। आप लोग देख सकते हैं ओमान के एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से स्टेटमेंट शाया की गई है, साथ में पिक्चर भी शाया की गई है। इसके मुताबिक तस्दीक की गई है कि दफार सलाल और इसके आसपास के जो पहाड़ हैं जबल हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 अरेबियन टाइगर देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं दफार के पहाड़ों के ऊपर 3 अरेबियन टाइगर्स देखने को मिले हैं, तस्वीर के अंदर कैप्चर हुए हैं, पूरे ओमानी मीडिया के ऊपर दिखाया गया, ओमान के एनवायरमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर वो आप ये रखे तमाम चाँदे। आमीन इंशाल्लाह। अब आप लोग को एक ख़ास खबर से आगाह करेंगे, साथ में आप लोग मनाजर भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। पहली मरतबा क्वालिफाई राउंड जो कि फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की टीम ने कंबोडिया की टीम को हराया। आप लोग देख सकते हैं क्या एक खूबसूरत मनाजर हो गया, पहली मरतबा हिस्ट्री क्रिएट हुई है। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड के अंदर जो कि मैच चालू हैं पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से हराया। जी हाँ, इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम के अंदर ये मैच हुआ और बहुत ही खूबसूरत मैच हुआ। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने 1-0 से हराया। तो इस चैनल के तो हम पाकिस्तान फुटबॉल टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए नेक तमन्नाओं के ख्वाहिशमंद हैं इंशाल्लाह। अब एक और आप लोगों को ख़ास खबर से आगाह करेंगे, क्या आप लोग भी डिप्रेशन का शिकार हैं? आप लोग देख सकते हैं स्टेट में शाया की गई है, वो ज़रा जो कि डिप्रेशन का शिकार है उनके हवाले से नई तहकीक की गई है। आप लोग उसका इलाज खुद ही कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो कि डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें। आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि 16 हफ्तों की तहकीक के बाद ये बताया जाता है कि वो ज़रा जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे यानी कि ज़हनी मरीज बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, वार्म अप करें, ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करें। इससे बताया जाता है कि एक तो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो दिमाग के ऊपर पड़ता है असर वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा जिस्म के अंदर मज़ीद इस तरह के नमकियात बनेंगे जो आप लोगों को सेहत में तंदुरुस्त और तवाना करेंगे। तो चाहेंगे तो हम आप लोगों को ये कहेंगे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। ये आप लोगों को 100 बीमारियों से भी बचाती है और डिप्रेशन के हवाले से भी आप लोग देख सकते हैं नया इलाज मुतारफ़ करवाया गया। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर वो आप पे रखे तमाम जाने। आमीन इंशाअल्लाह। यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स सर ऑफिसर अज़ीम को दीजिए इजाज़त, हंसते बसते रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।